Ladies and gentlemen, please welcome. Alright, ladies and gentlemen, this is Illegal Poker and स्वागत है आपका एक और नई मसालेदार वीडियो में। तो आज हम लोग फिर से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। यस, बेसिकली कितने दिनों से मैंने माइनक्राफ्ट नहीं खेली है। पहले तो मुझे भूख लग रही है, मैं ब्रेड खा लेता हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये पता नहीं कौन सा वर्ल्ड में मैं स्पॉन हुआ हूँ, तो मैं अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये वर्ल्ड का। ओके, तो जब ये मैंने वर्ल्ड स्टार्ट किया, बेसिकली आपको सबको रीजन तो पता ही होगा कि नया वर्ल्ड स्टार्ट करना होता है, क्योंकि पुराना वाला वर्ल्ड जो है बार बार डिलीट हो जाता है। यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, मैं क्या करूँ यार, हर बार मतलब पुराना वर्ल्ड डिलीट हो जाता है। अभी तो 7 एपिसोड हुए थे उस वाले वर्ल्ड में, कितनी मेहनत की। छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मैं ये में जो है यहाँ पे स्पॉन हुआ था, एग्जैक्ट यही कहीं पे तो मैं स्पॉन हुआ था, बस यही लोकेशन पे। फिर वही मैंने बेसिक सारे टूल्स वगैरह बनाए स्टोन के एंड वुडन के। फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे एक छोटा सा घर बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक घर बना लिया है अपना खुद के रहने के लिए, और यहाँ पे मैंने वीट भी उगा लिए, जो की अभी सोच रहे होंगे सीड कहाँ से मिले। तो ये बस ग्रास तोड़ लेते तो हमें सीड मिल जाते हैं। तो ये सीड मैंने तोड़ लिए और यहाँ पे ये उगा दिए। और अभी घर में दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक चेस्ट है जिसमें कोई सामान इतना खास नहीं है, ये थोड़ा सा वीट है, यहाँ पे खाना वगैरह मैंने किया था वो है, और इसमें ये सब कचरा भरा है। अभी आप सोचोगे आयरन कहाँ से, क्रिएटिव से नहीं, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो वही मैं दिखाने के लिए आज आपको ले जाने वाला हूँ। तो ये सब आपने देख लिया, अभी चलते हैं हमारे मेन, अभी चलते हैं मेन थिंग की ओर, मेन। तो वो जो खंबा आपको दिख रहा है, ये वाला खंबा, हाँ वही खंबा, बेसिकली छोटा सा टावर। तो यहाँ पे मैंने अपनी मुर्गियों को फंसा के रखा है, ये देख सकते आप। इसको मैं सीड वीड वगैरह देते रहता हूँ, इससे कि वो लोग अपनी ब्रीडिंग चालू रखेंगे और मुझे खाने की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले मैं जो यहाँ पे गड्ढे में रह रहा था, ये वाला गड्ढा मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने पहली रात अपनी यहाँ पे गुजारी है, ये देख सकते आप। और फिर मैं इसको ये तोड़ के बाहर निकला, ये देखो, यही गड्ढे में मैंने पहली रात बिताई थी, क्योंकि हमारे पास बेड नहीं होता है। फिर मैं ऐसे ही बस यहाँ पे घूम रहा था, ऐसे ही, ये देख सकते हो, मैं ऐसे ही बस यहाँ पे घूम रहा था और यहाँ पे मुझे शीप मिली। मैं गया शीप मारने के लिए यहाँ पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे शीप को मार रहा था, मेरी नजर गई वहां पे। यस, एग्जैक्टली, मतलब इतने स्पॉन के पास इतना एग्जैक्ट विलेज, भाई क्या किस्मत है मेरी। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने कोई सीड नहीं डाला या तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे ही मैंने वर्ल्ड क्रिएट कर दिया और मैं स्पॉन हुआ ये वाली जगह पे। और फिर मैं यहाँ पे ऐसे ही शीप मार रहा था, तो यहाँ पे मुझे विलेज दी गया। तो मैं बस वही किया, मैंने विलेज में गया, फिर थोड़ा बहुत सामान लूटा, खाना वगैरह चोरी किया और गोलेम को मारा, जिससे कि आयरन मिल गया मुझे। अभी एक बार मैं आपको विलेज में दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या चेंजेस किए। वैसे तो कोई खास चेंजेस नहीं किए, पर यहाँ पे फार्मर बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अभी मैं दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या यहाँ पे किया है। तो ये जो आप यहाँ पे भी टावर देख रहे हो, अभी गेस करो यहाँ पे क्या होगा। यस, एग्जैक्टली, एनिमल फार्म। तो इस साइड मैंने बकरियों को फंसा के रखा है और ब्रीड भी करवा लिया है। और इस साइड मेरी गायें है, आए गायें। इस साइड मेरा काऊ फार्म है, इस साइड मेरा शीप फार्म है। अभी दोनों की हमें कमी नहीं है। अभी आप सोच रहे हो पिक का फार्म और चिकन का फार्म का, चिकन का फार्म भी हो गया, बस यहाँ पे पिक का फार्म है। ये मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। अभी पिक को मैंने इसलिए बंद रखा है क्योंकि कभी कभी बारिश होती है और लाइटिंग होती है ना, तो ये लाइटिंग इनके ऊपर गिर जाती है और ये लोग पिगमैन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बंद रखा है। और इसमें भी मुर्गियां मैंने फंसा के रखी है, बेसिकली यहाँ पे इधर उधर घूम रही थी, तो मैंने सबको वीट दिखाया, सीड दिखाया, लालच दी और सबको फंसा लिया अपने जाल में। हाँ, कितना एविल बंदा हूँ ना मैं। ओ वेट, वो दूसरा विलेज है क्या? नहीं नहीं नहीं, दूसरा विलेज नहीं। एक बार ही ना आप सीनरी देखो, मतलब वो घर देखो भाई, एकदम ऊपर की तरफ है, ये नीचे भाई, वो अलग ही स्वैग में जी रहा है भाई वो वाला। यहाँ पे पहाड़ी क्या मस्त है, फिर ये देख सकते हैं पूरा ही प्लेन एरिया है, मतलब बिल्डिंग के लिए तो ये एकदम ही खतरनाक है। मतलब मैंने ऐसा ही नहीं है कि ये वर्ल्ड पहली बार में मेरा अच्छा मिल गया, मैंने 4-5 वर्ल्ड ऐसे ट्राई किए, तो एक में एकदम स्वैम्प में स्पॉन हुआ, एक बार स्नो में, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा अच्छा नहीं था। तो बस मैं ये 5वीं 6वीं बार में मैंने ये वर्ल्ड बनाया और भाई ये वर्ल्ड मुझे पसंद आ गया, तो मैंने ये रख लिया। और इसमें अभी ये बीटरूट ले लेते हैं, और अभी मैं इसमें कि अपनी ग्राइंडिंग कंटिन्यू करने वाला हूँ। इस बार तो पक्का मैंने सारे वर्ल्ड का बैकअप बना लिया, ठीक है। कोई इस बार मतलब क्या बोलूँ मैं, सिक्योरिटी फुल है मेरे पास। ये देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2 पिक को फंसा के रखा है। इसमें वैसे कोई कुछ घोड़े थे तो उनको मैंने भगा दिया, या तो फिर वो डिस्पॉन भी हो गए होंगे, मुझे नहीं पता। अभी ये लोग गोलेम को स्पॉन नहीं कर रहे क्या, एक बार ही देख लेंगे। बट इसको तोड़ लेता हूँ ना मैं। वेट, ये रखा मैंने क्राफ्टिंग टेबल, ये हे बेल को कन्वर्ट कर लेंगे वीट में, इससे बना लेते ब्रेड।
ओके 8 ब्रेड बन चुकी है, 2 ब्रेड इनको दे दूं क्या? सही, ये लो ब्रीडिंग चालू रखें। ये लो भाई, 1 ब्रेड तू ले ले, 1 ब्रेड तू ले ले, दोनों ही अभी ब्रीडिंग करो। चलो ओ ये लो, ओके ये ग्रो हो चुके हैं, मैं ये ले लेता हूँ। ये लो वापस भी उगा दिया, मैं बहुत ही अच्छा बंदा हूँ, और अगर ज्यादा मगजमारी की ना तो ये विल भी इतना ही, ठीक है, उड़ा दूंगा सबको मैं। ओके तो आज की वीडियो में मैं, आप लोग सोच रहे होंगे, तो गाइस आप सोच रहे होंगे आज की वीडियो में क्या करने वाले। तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा वुड कलेक्ट करेंगे, स्टोन कलेक्ट करेंगे और एक छोटा सा अपने लिए घर बनाएंगे। यस वही करने वाले हमारे। ओके तो स्टोन तो यहाँ पे मिल गया मुझे, इसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। काम करता हूँ ना, माइन में ही जाता हूँ, उधर से आयरन ज्यादा मिलेगा, साथ में स्टोन भी निकल जाएगा। ओ भाई यहाँ से चलते हैं, चलो ओ चलो इजी। ओ मेरे पास टॉर्च ही, टॉर्च बहुत कम है यार। ओ यहाँ पे क्या है, एक मिनट जाने तो दी, ये स्टोन ये साइड में आ रहे। एक काम करता हूँ, दूसरे एंड पे पकड़ लेता हूँ, अब ये स्टोन हट जा तू साइड में एक मिनट के लिए। ओ ये क्या है, ओ ये तो कुछ नहीं है, छोटी सी माइन है यार। उधर की साइड चल के देखते हैं, मुझे लगता है उधर की साइड थोड़ी बड़ी माइन है। ओ कोल मिले थे फटाफट से, ये सारा कोल। अबे यार ये भी छोटी सी माइन ही निकली, छोड़ो यार मैं दूसरी माइन में जाता हूँ। ओके कहीं पे इमरजेंसी में मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं सीढ़ी बना के ही रखता हूँ ऑलरेडी। ओ उधर चलते है ना, उधर वो माइन अच्छी लग रही है मुझे। वेट यार फिर से रात होने वाली है क्या? बेड भी नहीं लाया मैं साथ में, काम करता हूँ अभी सो ही जाता हूँ। इधर बेड हो जाते इधर। अबे यार हट रहे तू, भले मेहनत तेरे से ज्यादा मेहनत मैं करता हूँ, ठीक है मैं सोऊंगा। हाँ चलो सब लोग अभी काम पे लग जाओ, फार्मर लोग भी और मैं भी काम पे जाता हूँ, ठीक है। और मैंने स्वॉर्ड नहीं बनाई, बना लू क्या एक स्वॉर्ड फटाफट से? ओके ये स्वॉर्ड बन चुकी है हमारी, भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हम लोग आयरन ढूंढ सकते हैं। आई मीन स्टोन ढूंढने ही जा रहे हैं हम, पर साथ में आयरन भी मिल जाएगा तो अच्छा है। तो ये रही यहाँ पे एक नीचे दुखा है, तो यार ये हर बार ऐसा होता है, मैं सोचता हूँ बड़ी होगी तो छोटी सी है। ओ भी कुछ नहीं है, पता नहीं ये मैं कहाँ पे जा रहा हूँ भाई, गिर जाऊंगा मैं। भाई यार इधर भी कुछ नहीं है, वो गिरा हूँ, चलो आधा हट ही गया। और यहाँ पे वाटरफॉल है भाई, नेचुरल वाटरफॉल। वो वहाँ पे लावा कैसे आया? मे बी ब्लेंडिंग के कारण हो सकता है, पता नहीं अभी नया अपडेट आया है तो हो सकता है यहाँ से वाटर। अच्छा मेरे पास वाटर बकेट है, फिर क्या दिक्कत की बात है, चलो फिर। ओ भाई ओ यहाँ पे कॉल है, ले लेते ये फटाफट से कॉल, पहले खाना तो खा लूं मैं, तो मर जाऊंगा ऐसे ही। ओ ओ भाई, ओ भाई क्या गुफा। वेट अ सेकंड, एक मिनट, ब्राइटनेस बढ़ाने दूंगे, ऑप्शन में गया वीडियो सेटिंग ब्राइटनेस ब्राइट। ओ भाई क्या खतरनाक गुफा है यार, इतनी बड़ी गुफा मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो आयरन है क्या? वो आयरन है, पर एक बार ये देखो भाई क्या लग रही है यार, एकदम ही बड़ी। तो नीचे भी क्या है, नीचे पूरा पानी है। एक काम करता हूँ बोट क्लच करके जाओ क्या, बोट बन जाएगी मेरे पास। मुझे लगता है सामने की साइड मुझे जाना चाहिए, पर यार उधर क्रीपर वगैरह भी तो होंगे, मेरे पास इतना कुछ सामान नहीं है। अच्छा ओ अरे भाई क्या भगवान, आप भी धक्का मारते हो यार, मतलब गिराना था तो ठीक से बोल देते कि गिर जाओ, ऐसे डराना थोड़ी ना। कैसे निकलूंगा मैं, मुझे ही नहीं पता यहाँ से। ओ नहीं भाई भाई जल्दी, जितना हो सके उतना जल्दी बाहर निकलो भाई। ओ भाई क्या बचाऊं मैं यार, बाल बाल बच गया मैं। बे यार मैं शील्ड बना के लाता ना बहुत ही अच्छा हो जाता। जाओ क्या अभी बाहर, मुझे मकड़ी वगैरह भी है। अच्छा मकड़ी कहाँ पे है, इधर ही थी कहीं पे। ओ दूर है, मुझे लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। तो ग्रीपस्टोन ग्रीपस्टोन लगा के रखा है इधर उन लोगों ने भाई, मतलब किसी ने लगाया नहीं है। अबे यार ये टॉर्च, एक तो वहाँ टॉर्च बना लेता हूँ मैं फटाफट से इधर भाई, 24 टॉर्च तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक इधर, बस इतनी काफी है। चलो भाई वो तो स्केलेटन से क्या बचाऊं मैं यार। अबे यार ये तो पता नहीं मैं कहाँ घुस गया भाई, केव क्या खतरनाक हुई है, इतनी बड़ी केव है पर कहीं पे भी आयरन नहीं है यार। ओ ये रहा, पर इतना सा ही थोड़ा चलेगा यार, ये देखो एक ही आयरन है। इतनी बड़ी केव है पर कहीं पे भी आयरन नहीं है। ओ ये रहा बाहर निकलने का रास्ता, चलो नहीं स्केलेटन नहीं अभी नहीं, मैं ऐसे ही बस जा रहा हूँ अंदर। ओके चलो सभी जगह पे मैंने टॉर्च लगा दिए, तो अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस अभी यहाँ से हम बाहर निकलने का ट्राई करते हैं। मुझे स्टोन भी मिल जाएगा और रास्ता भी बन जाएगा बाहर आने का। ओके डर्ट तो आ चुके, चलो अभी तो नजदीक है। ओके फाइनली हम बाहर आ चुके हैं और मैंने एक रास्ता भी बना लिया इधर से जाने का, पर अभी नीचे कैसे गए? कोई बात नहीं, नीचे का भी रास्ता बनाते जाते हैं, इधर से बना के ही जाता हूँ ना एकदम परफेक्ट इधर से। अरे अरे इधर से गिर जाएंगे। ओके इधर से ऐसे, ओके अभी परफेक्ट है एकदम, फिर भी इधर थोड़े ब्लॉक लगा देते हैं तो अभी एकदम परफेक्ट है, एकदम ही परफेक्ट। बस यहाँ से मुझे अच्छी सी सीढ़ी बनानी है। ओके एकदम ही परफेक्ट हो चुका है। चलो भाई अभी बस घर जाते और कुछ खाना खाते हैं यार। ओके हमें आयरन तो नहीं मिला है, बस हम कोबल स्टोन लेके आ चुके हैं, कोबल स्टोन तो अभी काफ़ी हो गया हमारे पास, बस अभी मुझे थोड़ा सा वुड लेना है, जो कि यहाँ पे मैं बर्ज का ले लेता हूँ फटाफट से।
रात में अभी तो इतना डर नहीं है, ज़ॉम्बीज का मार दूंगा मैं, बस क्रीपर ना आना चाहिए। ओके ये रहा मेरा मुगरी का फार्म, एक बार देख लेते। ओ मुर्गी 1 2 3 4, चलो चारों मुर्गी सेफ है। ये पीक क्या कर रहा है यहाँ पे? अबे आ ज़ॉम्बी, बवंडर ला दूंगा, मेरे पास मत आ, ठीक है? ये ले ये ले ये ले, चलो गया। अभी बस हम घर पे चलते फटाफट से, आसपास थोड़ी भी यहाँ पे टॉर्च लगा देता हूँ मैं। ये देखो मकड़ा मकड़ी स्पॉन हो रहे, मुझे मारेगा। ये ले पहले घूम तो ले, कहाँ पे हूँ मैं? हाँ तेरा भाई भी और आ गया। ये ले कुछ लोग, तुम लोग टच भी नहीं कर सकते मुझे, ठीक है? और वहाँ पे इसके लिए ये ले क्या कर लेगा तू? ये ले तेरे सामने डांस कर रहा हूँ, ये ले क्या कर लेगा? डरता है भाई, उधर खड़े खड़े हवा मार रहा है, ठीक है? तू बस सो जाते फटाफट से। ओके बाकी का सारा सामान इसमें मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए, एक बार ही देखने दो। मेरे पास इतना वूड है यहाँ पे 8, ये इतना, बस इतना सा ही वूड है यार मेरे पास। चलो इतने में काम हो जाएगा इतनी से, और अभी स्टार्ट करते हैं अपना डेकोरेटिंग का काम। एक काम करता हूँ, मैं शीयर बना लेता हूँ, 2 आयरन का बनता है ना। ओ हाँ अभी ये वूड है ना लीव्स। ओ भाई कितना सारा लीव्स आ गया, बेसिकली बस मुझे इसको अपग्रेड करना है और कुछ नहीं करना है। ओके ये सारे लीव्स इसमें रख देते हैं, और वुड कहाँ पे गया मेरा? पहले तो यार ब्रेड बनानी पड़ेगी, और खाना भी पकाने रख देता हूँ मैं इसमें। फर्नेंस कहाँ गया? ये रहा मेरा फर्नेंस, चारकोल जितना बना है उतना, ठीक है चलो। अभी ये रख देता हूँ रोमाटन इसमें, और इसके नीचे चारकोल रख देता हूँ। ओके ये रोटन फेस इसमें रख दिया, और ये अभी वुड को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके तो अभी थोड़ी बहुत फैंस बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए स्टिक भी बनानी पड़ेगी। ये रही, और अभी यहाँ पे फैंस कैसे बनती है? हाँ ये रही बनती है, 1 2 6 9 12, चलो 12 फैंस काफ़ी है। यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, पहले तो ये क्राफ्टिंग टेबल को हटा देता हूँ, ये अभी मुझे नहीं चाहिए। बस अभी यहाँ से वुड निकालते हैं ये वाला, और अभी कोबल स्टोन और ऑक लीव्स। ओके चलो ये वैसे बुरा भी नहीं लग रहा, चलो ठीक है। ओके अभी पाथ थोड़ा ठीक कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कोबल स्टोन का और वुड का टेक्सचर दे देता हूँ यहाँ पे। ये ऐसे 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 यहाँ पे बीच में ऐसे, तो ऑब्वियसली ये हटा के यहाँ पे ऐसे। हमारा जो एंट्रेंस है वो तो एकदम से बढ़िया हो चुका है, बस यहाँ पे ये थोड़ा बहुत और कोबल स्टोन में डाल देता हूँ ताकि अच्छी वाली एकदम टेक्स्चर आए। गाइस ये पाथ बनाने के बाद अभी लग रहा है थोड़ा सा कि किसी का तो यहाँ पर घर होता है। अभी अंदर का डेकोरेट करते हैं, उसके लिए बस मुझे ये हटाना है, और इसको भी हटा लेते हैं। अभी बस यहाँ पे ये वुड डाल देना होगा मुझे। ओके परफेक्ट, तो ओ भाई एकदम मस्त लग रहा है यार। अभी साइड का भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं यार, पिकेक से तोड़ना है तो क्या कर रहा हूँ मैं। ओके ये शॉल इससे फटाफट से सारे डर्ट हटा लेते हैं, एक ही हटाना थी, चलो कोई बात नहीं। हाँ मुझे ये भी तो करना था, ये ब्रेड भी तो बनानी थी, ये भी बना लेते हैं, चलो अभी ठीक है एकदम। ओके ये चारों कोना में एकदम परफेक्ट लग गया है, ये वाला एकदम। ओके तो ये एकदम बराबर लग रहा है, पर इस साइड का ये वुड मेरे गलत लग गया है, तो इसको तोड़ के फिर से लगा देता हूँ मैं। ओके ये अभी परफेक्ट लग रहा है, बस अभी मुझे दीवार चेंज करनी होगी। ओके ऐसे 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 और ऐसे, और बीच में लगा देंगे हम अपने लीव्स। हमारे घर में हरियाली रहनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है हमें एकदम ही पूरा हो जाएगा। सेम इधर ही करते हैं, अरे गई पिकेक्स, कोई बात नहीं, ये रही दूसरी भी है मेरे पास, और ये लास्ट हमारा यहाँ पे ऐसे। ओ भाई एकदम ओके, अरे यार ये क्या, नहीं सही तो है, कुछ गलत नहीं लग रहा यार ये फ्लोरिंग तो, चलो वो तो ठीक है, पर अच्छा समझ आ गया, ये डेप्थ में नहीं है, ये वुड बाहर की साइड आना चाहिए। फिर से तोड़ के लगा देता हूँ। ओ ये एकदम ही परफेक्ट लग रहा है यार, ओपी एकदम। अब ये बस छत रिपेयर करनी है, और ये नीचे वाला थोड़ा सा स्टोन का रिपेयर करना है, उससे पहले सो जाते हैं, रात हो गई है तो। ओके तो नीचे का तो एकदम परफेक्ट हो चुका है, बस अभी ऊपर का अपग्रेड करना है मुझे। ऊपर का तो मैं कोबल स्टोन का ही बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी वुड की कमी पड़ गई है यहाँ पर। देखो स्टोन अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, कोबल स्टोन अच्छा लगता है। ऐसे ऐसे एक बार ऊपर जाके भी मैं थोड़ी डिटेलिंग दे देता हूँ यहाँ पर। एक काम करता हूँ ना, थोड़े वुड बचे तो उसका मैं ये स्टेयर्स बना लेता हूँ, और ऊपर थोड़ा ये डेकोरेटिंग में काम आएगा। 4 स्टेयर्स चलो काफी है। ओ भाई ओपी एकदम ही ओपी, ये देखो एकदम ही ओपी लग रहा है। और यहाँ पे अभी हम दरवाजा लगा देते हैं। ओ भाई एक मिनट,
आप ऐसे ओके okay, अभी एकदम ही भाई डॉप लग रहा है, ये देखो क्या मस्त लग रहा है। और अंदर जाते ही भाई एकदम ओके, ये चेस्ट को मैं बाद में ठीक से लगा दूंगा उधर, लेकिन ये मस्त लग रहा है, खाना खा लेता हूँ भूख लगी होंगे। और ये जो शुगर कैन है ना यहाँ पे, वो भी मैं यहाँ दूर से लाया था, सामने की तरफ सैंड में उगी थी तो उसको भी मैं तोड़ के लाया था। तो आई थिंक बस आज की वीडियो में इतने, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर भी दो यार, प्लीज़ शेयर कर दो थोड़ा सा यार, मतलब थोड़ा सा ही मैं बाकी वॉच टाइम कम्प्लीट होना चाहिए यार, और टू के भी बहुत ही जल्दी होने वाले, मतलब थोड़ा सा ही बाकी है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपकी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out.